नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए एक खास विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। खास विषय क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट जोन, देवस्थान, घर के अंदर, प्लॉट के अंदर वास्तु पुरुष का सिर किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को सबसे पवित्र स्थान माना गया है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर की जान भी होता है। जैसे शरीर के अंदर सिर मुख हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो शरीर का हर पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। शरीर में यदि सिर नहीं है, गर्दन नहीं है, तो वो शरीर किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में जिस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं होता, कटा हुआ है या कम है, उस घर को कभी भी शुभ नहीं माना जाता। आज मैं ये विषय आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ऐसी साइट देखी थी जिसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ था। जब से उस व्यक्ति ने, यानी मेरे क्लाइंट ने जब से वो जगह ली, तब से उसके घर के अंदर बेचैनी बनी हुई है। परिवार में अजीब सा माहौल बना हुआ है, अजीब सा डर बना हुआ है सिर्फ एक प्लॉट लेने से। आपका घर है और आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, तो आपने अपने वहां पर क्या करना चाहिए? वास्तुशास्त्र में जहाँ नॉर्थ और ईस्ट दोनों दीवारें आकर मिलती है, उसे नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण यदि कट जाता है, कम हो जाता है, कैसे? नॉर्थ की दीवार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आती है और यहाँ बीच में आकर रुक जाती है, और ईस्ट की दीवार साउथ ईस्ट से आकर बीच में रुक जाती है। यहाँ से ये दीवार तिरछी हो जाती है, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट का एरिया कट जाता है, कम हो जाता है। यदि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आपकी है या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को आपको नहीं खरीदना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के लिए कुछ छोटे से उपाय जरूर करें। छोटे से उपाय क्या करने हैं? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपने एक दर्पण लगाना है, मिरर लगाना है। मिरर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, यानी जब हम मिरर में देखें तो हमारा चेहरा बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। ना तो मोटा दिखना चाहिए, ना ही पतला दिखना चाहिए, क्योंकि मिरर लुकिंग ग्लास इस तरीके के आते हैं जिसमें कुछ ग्लास के अंदर, लुकिंग मिरर के अंदर चेहरे मोटे दिखते हैं, कुछ में चेहरे पतले दिखते हैं। आप जो मिरर लेके आए, जो लुकिंग ग्लास लेके आए, उसको देख के लेके आए, अच्छे तरीके से चेक करके लेके आए, और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लुकिंग मिरर लगाएंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहाँ पर मिरर लग जाता है, मिरर हमेशा ही उस एरिया को एक्सटेंड कर देता है, एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मिरर को ज़रूर लगाएं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कहीं तक आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप वास्तु कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर लें। चाहे आप ऑनलाइन लें या अपने यहाँ साइट विज़िट कराकर सलाह लें, तो आपकी समस्या का हल जरूर हो जाएगा। जब तक आप इस घर को सेल नहीं करते, तब तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मिरर जरूर लगाएं, दर्पण जरूर लगाएं। आप इस तरह की कोई साइट खरीदना चाहते हैं तो वो साइट आप बिल्कुल भी ना खरीदें। यदि आपने कोई टोकन मनी ऐसी साइट की दे रखी है जिसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है और आप ये सोचते हैं कि इसको परचेज करके मैं दो पैसे प्रॉफिट में इसको सेल कर दूंगा, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें।
शरीर पूरा ही अच्छा लगता है, अधूरा शरीर अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो साइट जो जगह आप खरीदते हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। यानी हर साइट के चारों कोने बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कोई भी कोना घटा हुआ या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने यहाँ पर ये छोटा सा उपाय जरूर करें। आप अपनी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं या एस्ट्रोलॉजर है या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप सिविल इंजीनियर है, या आप ड्राफ्ट्समैन हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसे हमारे पिताजी ने प्रिंट कराकर समाज में बांटा, और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर वास्तु के प्रति जागरूक भी हो और अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद किया। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।